अरे पता है पबजी अनबैन हो रहा है। हाँ यार मैंने भी सुना। दबा के खेलेंगे पूरा दिन, मजा आएगा पूरे दिन पबजी पबजी। इसकी माँ का, अरे बॉडी देख इसकी भाई की, लेग्स देख, बाइसेप्स देख, अरे शोल्डर देख यार। अरे भाई बॉडी बिल्डर के बच्चे पैदा नहीं होते। क्या बात कर रहा है, मुझे अपना वंश बढ़ाना है, माता पिता को पोता पोती देने हैं। हमें भी देने हैं भाई। तू देगा ये देगा, मैं दूंगा ना माता पिता को पोती। तो भाई उनके बच्चे पैदा नहीं होते, इनसे दूर रहो। अपना पबजी में मजा करते हैं, मजा आएगा पूरा दिन, मौज मारेंगे पूरा दिन। अरे भाई उरिया देखी है? हाँ यार रोज सुबह जॉगिंग करने आती है। अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम, आज मेरे को फिर एक लड़की ने मना कर दिया। अब मैं तो सोच रहा हूँ जिम चला जाऊँ और बॉडी बिल्डर बन जाऊँ और फिर ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। हाँ भाई मैं भी बॉडी बनाऊंगा। अबे तुम ना थोड़े बावली गांड हो क्या भाई, लड़की पड़ती है एटीट्यूड से, तो अपने अंदर एटीट्यूड लाओ। बॉडी बिल्डिंग करेगा ना, बॉडी बिल्डर की लुल्ली तो छोटी सी। क्या बात कर रहा है। हाँ और फिर समझ जाए, जब लुल्ली छोटी सी है ना फिर तो समझ जाए, फिर निपटेगी। जाओ करो बॉडी बिल्डिंग। भाई भाई ये इतना वजन कैसे उठा रहा है? उठाने को तेरा भाई उठा दे। उठता तो नहीं है यार, कोल्ड ड्रिंक जैसे लेके उठा रहा है। कुछ ना भीतर खत्म है खत्म। अच्छा हाँ क्या यार, आज के टाइम में भी तू इतना अनफिट है, जिम विम ज्वाइन कर भाई। अरे पागल है क्या, कौन जिम जाएगा? घर वालों ने बोला है जिम जाने से भाई हाइट रुक जाती है, और अब तेरे को पता है तेरा भाई खेलता है बास्केटबॉल, आगे जाके नेशनल मेडल भी तो लेके आना है भाई, हम तो बिना जिम के ही ठीक है। भाई तूने सुना उस बॉडी बिल्डर की डेथ होगी? अरे कौन सी बड़ी बात है, कई बॉडी बिल्डर ना अंदर से खत्म होते हैं, और कई हो गए ना पेन में रिफिल नहीं होती और बंदूक में गोली नहीं होती। मतलब? अरे वही आप समझ गए ना, ये नहीं समझा। तू जा पोगो देख, जा जा। तो गाइस आपने देखा भी कुछ मिथ जो लाइफ टाइम लोगों के मन में है। जब मैंने जिम शुरू किया तो हमारे पेरेंट्स में भी थे, हालांकि मेरे फादर एथलीट थे तो फादर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माताजी की तरफ से दिक्कत थी। बहुत सारे घरों में ये होता है कि जिम जाओगे आपकी हाइट रुक जाएगी, बॉडी बिल्डर्स को बच्चे नहीं होते हैं, बॉडी बिल्डर सन की होते हैं, उन्हें सिर्फ वेट उठाना आता है, एजुकेशन नहीं होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉडी बिल्डर्स को बच्चे भी होते हैं, हेल्थी भी होते हैं, इम्यूनिटी भी होती है। अभी पीछे कुछ बॉडी बिल्डर्स की डेथ हुई तो ये कहा गया कि बॉडी बिल्डर्स की इंटरनल जो पावर होती है वो वीक होती है। देखिए मिथ बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे स्क्वाट लगाओगे तो आपकी हाइट रुक जाएगी, हैवी वेट लगाओगे तो आपकी दिमाग दब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को जानता हूँ जो हेल्थी लाइफस्टाइल रखते हैं और हेल्थी जीवन जीते हैं। जो इस तरह की जो बातें घूम के जाती है ना, वो कहते हैं ना, कहावत सुनी होगी आपने कि वो आपके बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं जिन्हें आप नहीं जानते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप जिम जाओगे तो आपकी चाल चेंज हो जाएगी, आप जिम जाओगे तो आपके लेग्स की बनावट ख़राब हो जाएगी। जब मैंने रोडीज़ का ऑडिशन दिया तो मैं स्टेज पर आया, तो जब वो रिलीज हुआ ना तो रणविजय भाई ने मुझे शो के दौरान जब हम शूट कर रहे थे तो वो पहले दिन की क्लिप दिखाई और बोला देख यार तेरी लेग्स कितनी अजीब लग रही है, मतलब बड़ी लग रही है तो कैमरे पे। तो ऐसा होता है कि लोगों को वियर्ड लगता है, क्योंकि कॉमन जो आदमी होते हैं, नॉर्मल जो गाइज होते हैं, वो उससे अलग होते हैं, उनके बाइसेप्स क्या फ्लैट होते हैं, लेग्स फ्लैट होते हैं, जीन्स लटक रही होती है, और जो बॉडी बिल्डर होता है उसकी प्रॉपर शेप होती है। तो कुछ जेलेसी होती है, कुछ एक दूसरे की बातें सुन के, जैसे मैं अभी लाइव पे था कि अगर आप प्रोटीन लोगे तो किडनी खराब हो जाएगी। मैंने पूछा आप कितना प्रोटीन इंटेक करते हो, तो उसने बोला कि एक सर्विंग यानी कि एक स्कूप, और मैंने पूछा कि पूरे दिन में आप उसके अलावा क्या खाते हैं, चार एग। तो मैंने बोला कि अगर आप पूरी लाइफ टाइम भी ये खाओगे तो आपकी किडनी इफेक्ट नहीं होगी। वहीं अगर बात की जाए कि पूरी लाइफ आप ओवरडोज लेंगे किसी भी चीज़ का, चाहे वो खाना हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, किसी भी चीज़ की अति आपको नुकसान दे सकती है। वहीं बच्चा पैदा करने वाली बात जब आती है कि बॉडी बिल्डर्स को बच्चे पैदा नहीं होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है स्टीरोइड का अब्यूज़ करना, पीईडी का अब्यूज़ करना। अब्यूज़ से मतलब है कि कुछ बॉडी बिल्डर जो एजुकेटेड नहीं है वो किसी के कहने पे या किसी कंपटीशन को जीतने पे अपनी लाइफ को हर एक लास्ट लिमिट तक के रिस्क पे ले जाते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है।
बहुत सारे सीनियर कोच, वर्ल्ड के फेमस कोच जैसे गुरु फराबी कहते हैं कि इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बहुत सारे बॉडी बिल्डर बिना इंसुलिन के भी ओलंपिया खेल चुके हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग इंसुलिन भी लेते हैं जिससे वो अपनी जिंदगी को हार्म पहुंचाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग लाइन में जिनका स्पर्म काउंट जीरो हो जाता है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि वो अब्यूज करते हैं। लेकिन एक की गलती को सब पे थोपना वो सही नहीं है। दूसरी, बहुत सारी फैमिलियों में ये मिथ है कि बच्चा सप्लीमेंट खाएगा तो उसकी किडनी खराब हो जाएगी, उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, उसको बच्चे नहीं होंगे। ऐसा प्रोटीन से तो वैसी बात आपको कुछ कहना नहीं चाहिए, अगर वो जेन्युइन है, जेन्युइन आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, अगर वो जेन्युइन है तो प्रोटीन से कोई दिक्कत नहीं आती है। उसका प्रोसेस सिंपल है, वो दूध से ही बनता है और ऐसा कुछ उसमें हार्म केमिकल नहीं होते हैं। भारत सरकार से या दूसरी सरकार से फूड इंस्ट्रक्शन के सब गाइडलाइन के अंदर वो बनता है, लैब टेस्ट होती है, लैब रिपोर्ट होती है। और अगर आप सर्टिफाइड कंपनी जैसे मैं साइट्रोन के साथ एसोसिएट हूँ या कोई भी और कंपनी जो सर्टिफाइड है, हर अच्छी तरीके से काम कर रही है, आप खरीद से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को ये भी मिथ है कि सेक्सुअल लाइफ खराब होती है बॉडी बिल्डर की, बेड में अच्छे नहीं होते, ऐसा भी नहीं है। मैंने कॉम्पिटेटिव बॉडी बिल्डिंग भी की है और अभी भी करूँगा, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया, और मैंने नॉर्मल लाइफ फिटनेस भी की है, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आप स्मार्ट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप अपनी लाइफ को सुचारू रूप से और तरीके से चला सकते हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं अपने बारे में कि आपको किस टाइम पे क्या चीज़ लेनी है, किस टाइम पे क्या बंद करनी है, क्या आपका गोल है, क्या आपका फोकस है, उस हिसाब से कभी भी आपको सेक्सुअल भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और बहुत सारे अभी भी लाइव एग्जाम्पल है, जैसे मेरे भाई जुनेद को अभी बेबी हुआ है, रोहित भाई को बेबी हुआ है, और भी बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं जिनको बेबी हैं और बहुत हेल्थी हैं। उनको अगर आप उनके ब्लड टेस्ट कराएंगे ना तो आपको प्रॉब्लम मिल सकती है, लेकिन उनको उनके जो टेस्ट रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बल्कि मेरे को तो चलो CGHS पैनल में आता हूँ और मैं मेरे लैब जो टेस्ट होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं, तो मैं हर 3 महीने में कराते रहता हूँ, तो मेरे जो लीवर किडनी और भी रिपोर्ट है वो सारी नॉर्मल है। जबकि मैं तो कॉम्पिटिशन भी खेलने वाला हूँ और पहले खेल भी चुका हूँ। मैंने जब 2019 में कॉम्पिटिशन खेला था तो मैंने भी आने के बाद, कंपटीशन के आने के बाद कुछ दिन बाद मैंने टेस्ट कराया, जबकि मेरी सारी चीज़ नॉर्मल थी। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आप सही तरीके से चलेंगे, स्मार्टली वे में चलेंगे, किसी अच्छे कोच के अंदर चलेंगे, तो ना तो आपको कभी बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम होगी, ना बेड में प्रॉब्लम होगी, ना लड़कियों के सामने शर्माना पड़ेगा, ना अपने आप को कहीं ऐसे दिखाना पड़ेगा। और जो लोगों में मिथ है, कृपया करके उस मिथ को दूर कीजिए कि एजुकेटेड नहीं होते हैं, सेक्सुअल लाइफ खराब होती है। बॉडी बिल्डर बहुत स्मार्ट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जब वो अपनी बॉडी को एक आकार दे सकते हैं खा के, दिमाग से वर्कआउट करके, तो इसका मतलब है वो बहुत स्मार्टली काम करते हैं। एक दो उदाहरण को छोड़ दो, पॉजिटिव साइड देखो। और जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वो बिल्कुल बेझिझक आ सकते हैं। और जो फैमिली मना करती है कि वर्कआउट मत करो, जिम मत जाओ, वेट मत उठाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई जरूरी है, साथ में आप वर्कआउट भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपके कुछ मिथ दूर हुए होंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि बॉडी बिल्डर के बारे में गलत सोचना बंद कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है, बहुत डेडिकेशन लगता है, बहुत पैसा लगता है और बहुत फोकस रहना पड़ता है एक बॉडी बिल्डर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, देश अपने आप तरक्की करता रहेगा, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।